कुछ और एक्सपेक्ट इंडस वैली के, कुछ और चीज़ें जो पिछली वीडियो में नहीं आई थी या मिलती जुलती हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और मैं कुछ लिख के लेके आया हूँ, फाइंडिंग्स हैं मेरी। तो मैं कुछ डिवाइड कर लिया इसको, रिवीजन भी हो जाएगी इससे। सोशल, अर्बन, फैशन, इकोनॉमी, ट्रेड और रिलीजन। और एक आप यहाँ पे फूड, तो कुछ एक्सपेक्ट्स हैं जो इंडस वैली से हैं। सोशली जो क्लास डिस्ट्रीब्यूट थी वो चार अलग अलग टाइप्स में थी, मर्चेंट, क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन जो मूर्तियां बनाते थे, सील्स बनाते थे, और फार्मर एग्रीकल्चर के लिए, और एक थी हमारी वर्किंग क्लास, लेबर। अर्बन के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, अर्बन लाइफ कैसी थी, वही कि रोड्स रेक्टेंगुलर शेप के, ड्रेनेज सिस्टम वेल डेवलप था, सिटीज थी हमारे पास, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वैसे ही फूड, वेज और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। और जो स्टेपल फूड था वो था वीट एंड बार्ले। फैशन, किस तरीके की डेकोरेटेड हैबिट थी, मैन और वुमेन दोनों ही फैशनेबल थे। सेंस, फैशनेबल सेंस रखते थे। इसका एग्जांपल आप वही डांसिंग गर्ल, और प्रीस्ट जो हमें ब्रिटिश प्रीस्ट मिले। देखो कोई भी अगर पेंटिंग या कोई स्कल्पचर या कोई मूर्ति अगर कोई भी बनाता है तो उस टाइम पे जो हो रहा है वो उसको ध्यान में रख के उसको बनाता है। वही चीज जो आपके सोसाइटी में हो रही है वही आपकी उस कला के ऊपर वो आर्टिस्ट निकाल के लेके आता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तरह हम कोट कर सकते हैं। इट डजन मीन कि वो वैसे ही दिखता होगा, बट यस इट मीन्स कि हाँ इस तरीके का कुछ था वहाँ पे। जैसे आप बुद्धा की मूर्तियों का अगर देखोगे, उसके हेयर एक कर्ली है, कुछ अलग शेप के हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ वो अलग फैशनेबल सेंस के हैं। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट या वो उसके बारे में, उससे वो इन्फ्लुएंस्ड है। लिपस्टिक हमें एक फाइंडिंग मिलती है जिससे पता चलता है वुमन फैशनेबल सेंस रखती थी। और हमें आभूषण में ऑर्नामेंट मिले, उसमें यूज हुआ जो मटेरियल्स का, आयरन को छोड़ के, क्योंकि आयरन के बारे में हरप्पन से नहीं जानते थे, उसके भी यूज हुआ। हॉबीज इससे अलग, एक लैपे लजूली करके जो ऑर्नामेंट में यूज हुआ मटेरियल। हॉबीज हंटिंग, रेसिंग, बोट रेसिंग,
और फिशिंग। ये वहां के लोगों की हॉबीज थी। और एक जो बरियल प्रैक्टिस वहां होती थी, वो बरियल प्रैक्टिस साउथ फेसिंग, सॉरी बॉडीज के जो पोस्चर को था उसका फेस जो होता था वो नॉर्थ फेसिंग होता था। ये इमेजिन करा जाता था कि भाई जो नॉर्थ फेसिंग का जो सिग्नल जो था वो शिवा वर्शिप की तरफ था, जो एज अ कैलाश आई बिलीव्ड इन नॉर्थ, कैलाश पर्वत जो है जो नॉर्थ में है। सो इस वजह से पार्शियल बरियल भी हमें देखने को मिला, किसी एक पार्शियल बरियल में किसी ऑर्गन को एक ऑर्गन को बरीड कर देना। उसका कोई भी रीजन हो सकता है, अभी उसके कोई रीजंस ऐसे फाइंडिंग में नहीं आए हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर बेस्ड थी और पहले जो यहाँ पे हमने कॉटन का भी कल्टीवेशन फर्स्ट यहीं हुआ, और जिसको ग्रीस में सेंडन बोला गया। अगेन ट्रेड का एक हमें मिलता है। एग्रीकल्चर इरिगेशन सिस्टम था, इरिगेशन सिस्टम से एग्रीकल्चर होती थी, और रबी और खरीफ पैटर्न का भी यूज होता था। इक्का, एक इक्का मतलब जो कार ड्रिवन बाय ऑक्सन, बैलों के द्वारा जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती थी, यूज हुई मिली। अगला है ट्रेड। ट्रेड अलग अलग जगह पे हमें इसके यू फाइंडिंग्स मिलती हैं, जैसे मेसोपोटामिया से गोल्ड, मेसोपोटामिया से गोल्ड ट्रेड हुआ, ग्रीस से परफ्यूम, परफ्यूम मतलब वुमेन और मैन दोनों यूज करते थे, सुमेरिया से सिल्वर, इजिप्ट से डायमंड, मंगोलिया से लैपिस लजुली, मंगोलिया से लैपिस लजुली। और ये इंडस के जो लोग थे फर्स्ट थे जिन्होंने इंटरनेशनली ट्रेड किया। और जो सील्स थी हमें मेसोपोटामिया और अलग अलग जगह से मिली, जो एक ट्रेडिंग का साइन था, या यू कैन से कि ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट था। नेक्स्ट रिलीजन, इसके बारे में हम पहले ही बात काफी बात कर चुके हैं, मदर गोडेस हो गई, अग्नि वर्शिप। ट्री की जो पीपल की वर्शिप, और हम्ड बुल, पशुपति, स्नेक वर्शिप, से कुछ अदर
कार्बन लाई, फूड, फैशन के बारे में कुछ अलग अदर एस्पेक्ट्स थे, ट्रेड कहाँ कहाँ से हुई, मेसोपोटामिया से क्या ट्रेड हुआ, ग्रीस से क्या हुआ, सुमेरिया से क्या हुआ, कॉटन को ग्रीस में क्या बोला गया, मतलब कॉटन ग्रीस में गई, एग्रीकल्चर वहाँ पे जो हमने उगाया यहाँ पे वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सीरीज। इंफॉर्मेटिव है तो आप इसको शेयर करें।